तो कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, विशेष तौर पर जो वैक्सीनेशन के संबंध में, कि अब जितनी भी वैक्सीनेशन है उसका 75% जो वैक्सीनेशन है वो भारत सरकार ही खरीदेगी, बाकी 25% को ही प्राइवेट के लिए छोड़ा जाएगा, और वो 75% भी अब स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और 21 तारीख से एक अभियान लेकर के और जो भी वैक्सीनेशन है सारे देश भर में वो पूरे जोरों से 21 जून से शुरू किया जाएगा। युवाओं का वैक्सीनेशन है, इसमें बच्चों वाला भी है क्या? 18 साल से बहुत अब 18 से ऊपर का सबका वैक्सीनेशन अब ये फ्री सबको सभी स्टेट्स को दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वैक्सीनेशन को इतना तरजीह देते हुए, इतना महत्व देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। और ऐसी दूसरी घोषणा है कि दीपावली तक सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ये एक 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा, ये एक दूसरा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ताकि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। कोविड के कारण से बहुत से परिवारों की आय के ऊपर थोड़ा असर तो पड़ा ही है, तो उस असर को समाप्त करने के लिए खास करके गरीब आदमी पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो गरीब आदमी को अन्न जो है मुफ्त में दिया जाए, ऐसा एक दूसरा एक घोषणा का ये समाचार है। एक दूसरा विषय है कि अभी 2 दिन पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट ये घोषित की है, और उसमें हर एक स्टेट के अपने अपने जो 16 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जिनको कहते हैं, उसके अनुसार एक रैंकिंग दी जाती है, और उस रैंकिंग में सभी प्रदेशों का अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कितना कितना उसमें उन्होंने वृद्धि की, कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत जो पिछड़ जाते हैं पिछड़े का भी उल्लेख उसमें किया जाता है। और एक पैरामीटर है कि 65 मार्क्स से ऊपर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें उस प्रदेश ने एक प्रकार से एक अचीवमेंट अपनी की है। तो मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा का स्थान प्रथम आया है, क्योंकि अभी जो ग्रोथ है उसमें 57 अंक हमारे पिछले 2019 में थे, इस बार वो बढ़ करके 67 अंक हमारे हो गए हैं, 10 अंक बढ़ करके जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें प्रथम आए हैं। हाँ, छोटे स्टेट्स में मिजोरम एक स्टेट है जो हमसे 2 अंक आगे है, उन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर टू पर हैं, लेकिन बड़ी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 1 पर हैं इन फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स। तो ऐसा एक आंकड़ा भी आपके सामने मुझे रखना है। जहाँ तक सभी क्षेत्रों का विषय है तो 16 क्षेत्र उसमें हैं, एक क्षेत्र ऐसा है जो हमारे यहाँ लागू ही नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल जिसको कहते हैं, लाइफ बिलो द वाटर। तो लाइफ बिलो द वाटर ये समुद्री राज्य हैं वहाँ लागू होता है, हमारे लागू नहीं होता। बाकी 15 में 8 में हम 65% से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिसमें हम पहले की परफॉर्मेंस में से, दो ऐसे हैं जिनमें पहले की परफॉर्मेंस में से हम थोड़ा सा कम आए हैं, लेकिन अभी हम जो मध्यम दर्जे के बाकी 4 क्षेत्र हमारे हैं वो मध्यम दर्जे के हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे अगली बार हम और आगे बढ़ें। एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी, इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 80 से अबव हम हैं। तो
जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज़्यादा लिए हैं। और ऐसे ही सस्टेनेबल सिटी, जैसे मैंने बताया 81, इसमें पहले 49 पर थे, तो 32 अंक इसमें हमको ज़्यादा मिले हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन जो है स्थायित्व जिसमें आया है, फ्लोटिंग कम है अर्थात कंजम्पशन पर्याप्त परमानेंट जो हो रही है उसके अंदर भी 28 अंक हम बढ़े हैं। क्लाइमेट एक्शन में भी हम 17 अंक बढ़े हैं। जीरो हंगर, इसमें हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। असमानता को समाप्त करना अर्थात समानता की ओर जाना, गरीबी अमीरी को कम करना, उसका अंतर कम करना, इसमें भी 14 अंक बढ़े हैं। ये अलग अलग पैरामीटर उनके रहते हैं तो उसमें हमें संतोष है कि हम ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़े हैं। और जैसा मैंने बताया कि बड़े राज्यों का प्रथम स्थान आया है, इसके लिए मैं अपने सभी विभागों को, सभी हमारे सरकार के विभाग, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे कर्मचारी जो इन चीज़ों में अथक मेहनत करके प्रयास करके इन चीज़ों को करते हैं, और साथ में जनता का सहयोग, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के ये चीज़ें संभव होती नहीं हैं, तो इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे हमारा टूरिज्म हो, चाहे हमारे निर्माणकर्ता हो, ऐसे सब लोगों ने जो हरियाणा के लिए काम किया है, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको मैं बधाई भी देता हूँ। तो ये दो विषय तो मुझे आज के मुख्य विषय से पहले करने थे। अब आज का जो मुख्य विषय है जिसके लिए पंचकूला को ही हमने चुना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो विषय है पंचकूला जिले से जुड़ा हुआ। मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूँकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकूला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है उसको आपके सामने रख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूँ विषय को, जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा, वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको हम अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे, लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। तो इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूँ कि पंचकूला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी, आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी। आज़ादी के 6 साल के बाद, उस समय से पहले पंचकूला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल जिसमें चलती थी, तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई, और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का, इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया, और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया, पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है और ऐसे कोट बिल्ला का जो शहरी परिसर है वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी, और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया और 2031 तक का गोल के 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आए। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है, हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं, और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है, हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है, तीसरे पर कई आते हैं, इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकूला, कालका, करनाल, ऐसे कई जिले ले सकते हैं, लेकिन अब हम पंचकूला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं,
सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? PMDA। तो GMDA, FMDA, PMDA आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कॉरपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSADC अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा, लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड करेगी। यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाला का एक औद्योगिक केंद्र ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए, उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग्स की ट्रेनिंग भी हो, तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है, अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं हैं, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं, स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं, लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन इसको भी और बढ़ाया जाएगा, स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे, ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार पर्यटन, पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए, हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे हिमाचल का है, उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है, तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। सड़कों का जाल ये एक बनाया जाएगा, तो सड़कों के जाल में जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, तो एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए एक हाईवे का पूरे DPR बन गई है, उसके लिए घग्गर के लिए पुल निर्माणाधीन है, बाकी भी कुछ एरिया उसमें पंजाब के अंदर आता है, कुछ हरियाणा का है, नेशनल हाईवे के जिम्मे वो है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक चौड़ा सिक्स लेन रोड जो है, हाँ, वो एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके बहुत जल्दी इसका काम ये पूरा होगा। ऐसे ही टूरिज्म के नाते से मोरनी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मोरनी के अंदर की जो सड़कों का जाल है उसको मजबूत किया जाए, मोरनी से चंडी मंदिर होते हुए और मांदना होकर के और आगे फिर मोरनी से टिकरताल और वहाँ से रायपुरानी, ये सड़क का एक चौड़ाकरण करते हुए, कहीं एक सिंगल रोड है तो कहीं डबल रोड भी है, यहाँ से मांदना तक दो जगह से मिलेगा, एक पिंजौर साइड से मिलेगा और एक पंचकुला साइड नाडा साहब के सामने से जो सड़क जा रही है इसका भी चौड़ाकरण होगा, ताकि इधर डबल रोड जाए। ऐसे ही मोरनी और मोरनी के बाद टिकरताल से भी दो सड़कें रायपुरानी तक जाकर के मिलेंगी, तो उस क्षेत्र को भी उसमें और चौड़ा किया जाएगा। चंडीगढ़ के इर्द गिर्द एक रिंग रोड, इसका भी DPR बन गई है, सब क्लियर हो गया है, PWD BNR को वो दे दिया गया है, तो जितना पोर्शन हरियाणा में है वो उसमें PWD बनाएगा, और कुछ क्षेत्र उसके अंदर चंडीगढ़ का और पंजाब का ये भी आता है उसको बनाया जाएगा। एक सड़क रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश की तरफ, रामगढ़ से वो परवाणु जाकर के मिलेगी, ताकि सीधी उसकी कनेक्टिविटी हिमाचल हो जाए, पंचकुला का
और रायपुरानी सॉरी मोरनी, पंचकूला और मोरनी के सेंटर से वो सड़क मिलते हुए चौड़ी सड़क नेशनल हाईवे को कहा गया है, उसकी प्लानिंग भी वो बना रहे हैं। वैसे ही सड़कों का जाल जो है इसको भी हम इसको प्लानिंग सारी नेशनल हाईवे से और PWD से मिल करके और एक बड़ा इसके अंदर जाल बनाया जाएगा। रेल और हवाई कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है इसको विकसित किया जा रहा है और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस उसको क्या कहेंगे एयर टैक्सी के रूप में वहाँ से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो वहाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ के विकास में जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे, तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपने इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें, तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफ़ी रेट्स मोहाली की तुलना में ज़्यादा थे। हमने उसको रिवाइज़ किया है और पिछले साल रिवाइज़ करने के बाद लगभग 1/3 EDC और IDC के रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपये था, उसको 1,52,00,000 रुपये पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो बैंकेट हॉल भरमार है, अपने यहाँ कम हैं, तो इसलिए उसके जो चार्जेस जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपये प्रति एकड़ था अब सिर्फ 25,26,000 रुपये कर दिया है, यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ, ये लगभग बनता है, बारह तेरह परसेंट ही बनता है, तो 12% आठवां हिस्सा उसको कर दिया है 1/8। ऐसे ही अस्पतालों के लिए भी 77 लाख पर एकड़ जो चार्जेस थे उसको सिर्फ 17 लाख कर दिया है, 60 लाख रुपये उसमें कम कर दिया है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइवेट आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ आने के लिए मौका दिया है। दो बड़े अस्पताल मेडिकल हब की जैसे मैंने बात की तो सेक्टर 32 में और सेक्टर 5C में, ये दोनों जगह हमारे पास हॉस्पिटल प्लॉट्स हैं, ऑक्शन करेंगे ना, हाँ ये दोनों ऑक्शन किए जाएंगे ताकि बड़े हॉस्पिटल वहाँ आकर के और स्थापित हो सकें। ऐसे ही एक ड्रग टेस्टिंग लैब, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, ये भी यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से सेक्टर 3 में ये बनाई जा रही है। थापली में एक पंचकर्मा केंद्र और वेलनेस सेंटर आयुष विभाग की ओर से ये स्थापित किया जा रहा है, तैयारी शुरू हो गई है, 20 जून को शायद डिपार्टमेंट ने उसका लॉन्चिंग रखी है, उद्घाटन रखा है, 20 जून को उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो 20 जून को वहाँ पर कुर्सी ने भी अपने वेलनेस सेंटर में नेचुरोपैथी के नाते या पंचकर्मा केंद्र के नाते से अपना इलाज कराना है तो वह जा सकते हैं। बहुत लोगों को अपने शरीर की कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है, लंबी बीमारी होती है, उसके लिए भी पंचकर्मा के इलाज की उसको आवश्यकता रहती है, तो ये अफोर्डेबल होगा, बहुत महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा, वहाँ रहने के लिए भी पहले से एक 10 या 12 हट्स बनी हुई हैं तो उसके अंदर वहाँ रह सकते हैं। वो सारा पहले जो फॉरेस्ट के पास ही था वो फॉरेस्ट वाले ने उसको पंचकर्मा अपना आयुष विभाग को दे दिया है ताकि वो इस व्यवस्था को शुरू कर सकें। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमने बरवाला में दवा उद्योग का एक अलग से फार्मा क्लस्टर इसको बनाने की योजना बनाई है ताकि HSIDC के जो प्लॉट्स हैं वो भी उनको मिल सकें, एक अलग से जो प्राइवेट लैंड होगी उसको भी फार्मा क्लस्टर के नाते से उसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जाएगी ताकि लोग अपने आप भी अपनी ज़मीन खरीद करके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाते से वहाँ जा सकें।
पंचकुला का जो आईटी पार्क है इसको भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, उनके सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी योजना कल्पना बहुत पहले बनी थी, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जितना उस आईटी पार्क को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें कुछ सुधार करते हुए और उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसके साथ समझौता किया हमने, तो उनकी सहायता से 5 करोड़ रुपया लगा करके वो एक अपना बनाएंगे सारी योजना। उस योजना के माध्यम से वहाँ भी लोगों को और आईटी उद्योग के नाते से वहाँ जा सकते हैं। पहले से निफ्ट की जो भवन है उसका बन चुका है, शायद बन रहा है, तो सेक्टर 23 में निफ्ट की स्थापना ये की जा रही है। उसमें भी पूरे देश भर से, हरियाणा से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी फैशन टेक्नोलॉजी के नाते से और उसमें आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इंदौर हवाई पट्टी एयर टैक्सी सेवा मैंने बताई दी है, अगर शुरू होती है तो ये फिर बाद में हिंडन एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, ऐसे सारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ तक ये एयर टैक्सी की सर्विस ये दी जाएगी। मोरनी और टिकरताल यहाँ के जो टूरिज्म के स्थान हैं उनको यातायात के लिए, जैसे मैंने सड़कें बताई हैं, ये सब 4 लेन सड़कें ये बनाई जाएंगी। पंचकुला, मांदना, मोरनी, टिकरताल, रायपुरानी, रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश, तो ये सब सड़कों का विषय बताया मैंने। एक जहाँ HMT पहले एक उद्योग होता था उसकी जगह अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहाँ फिल्म सिटी इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन कर रहा है, ये टूरिज्म कौन कर रहा है, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा और फिर उसको जो फिल्म निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो या चाहिए, बड़े स्टूडियोज क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं वो उनको शूटिंग के लिए नज़दीक मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा, एक छोटा ही क्यों ना हो, एक फिल्म सिटी का निर्माण ये होगा। मोरनी में पैराग्लाइडिंग, इसका सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो लेवल है उसका पार हो चुका है, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके देखी जा चुकी है। जिन टीम ने, जिन्हें पैराग्लाइडिंग करानी है उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है और अब 20 जून को यहाँ पैराग्लाइडिंग ये शुरू हो जाएगी और उसका भी उस दिन शुरुआत होगी। तो ऐसे ही पर्वतारोहण पर जैसे ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग रूट्स ये हमने तय किए हैं ताकि उन ट्रैकिंग रूट्स पर जो है वो युवा जो है वो आसानी से अपना ट्रैकिंग करके और एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। और उस ट्रैकिंग रूट को भी 20 जून को, क्यों 20 जून को हम शुरू कर रहे हैं। 10 रूट्स अभी तय किए हैं लेकिन ये सिंगल डे रूट होंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टे की फार्म स्टे, होम स्टे, ये पॉलिसी बनाएंगे ताकि 2 डेज ऐसा प्रोग्राम होगा तो फिर वहाँ रात्रि को स्टे करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनेगी। वहाँ के लोगों का 1 कमरा 2 कमरे जितने बना करके वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहेंगे वो देंगे और उसमें वो बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करके वहाँ पर रात्रि स्टे होगा तो फिर 2 दिन का ये ट्रैकिंग रूट का भी प्रावधान वहाँ किया जाएगा। और एक वहाँ रात्रि रुकने के लिए इस होम स्टे के अलावा फार्म स्टे पॉलिसी, फार्म हाउस पर वहाँ उनको टेंटिंग वगैरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी, शौचालय और वो सारी आवश्यक सुविधाएं ये दे दी जाएंगी, बाकी उनकी टेंटिंग के हिसाब से वो जा करके रुक सकें, ऐसी एक व्यवस्था भी दी जाएगी। पर्यावरण को ठीक करने की दृष्टि से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने योजनाएं बनाई हैं उसमें एक अभी 5 तारीख को पर्यावरण दिवस 8 जून को था, उस दिन पंचकुला में आप लोगों को पता लगी गया होगा कि एक ऑक्सी वन की स्थापना की गई है। 100 एकड़ के ऊपर गग्गर के किनारे ये ऑक्सी वन, जहाँ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी पौधे होंगे उनको लगाया जाएगा और 10 तरह के अलग से वन
ये दो एक साथ हुए थे, एक करनाल का 80 एकड़ का हुआ था, पंचकुला का 100 एकड़ का। तो ऐसे अलग अलग वन, जिन वनों में सुगंध देने वाला वन ये भी होगा, ऐसे ही इसमें एक राशि वन होगा, पंचकुला में अलग से भी राशि वन होगा, यहाँ भी राशि वन की स्थापना शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें होगा। नक्षत्र वन है, ऐसे ही जो साधना वन है जहाँ ऋषि मुनि साधना करते हैं, इस प्रकार के 8-10 प्रकार के वन ये बनेंगे। वहाँ एक लाइब्रेरी भी होगी, लोग भ्रमण करने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनको सुविधाएं वहाँ पर जितनी आवश्यक हैं, क्योंकि 100 एकड़ बहुत बड़ा एक एरिया है, उसके अंदर लोगों के भ्रमण करने के लिए ट्रैकिंग रूट्स भी इसके अंदर बनाए जाएंगे, ताकि पंचकुला के लोगों को एक अच्छा एक स्थान घूमने के लिए मिल सके। पंचकुला में मोरनी में जो वन विभाग है उसकी ओर से कुछ विकास के कार्य वो भी सब किए जाएंगे, ताकि पंचकुला अपने आप में एक शहरी विकास का स्थान होगा, लेकिन एक नेचुरल तौर पर जिसको कहना चाहिए विकास के नाते से टूरिज्म के आकर्षण देने को आकर्षित करने के लिए मोरनी का विशेष उपयोग करेंगे। वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, खास करके उसमें सुगंध वाले या जो नेचुरल ऑयल बनाने के जो पौधे होते हैं उसकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको बनाया जाएगा, और वहाँ के लोकल जो बाशिंदे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको भी उस खेती को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, और एक उद्योग भी छोटा बड़ा यहाँ लगाया जाएगा कि ऐसे जो एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, तेल निकाला जाता है, तो ऐसे तेल निकालने के छोटे छोटे उद्योग उसके कारण से जो परफ्यूम आदि में काम आते हैं अथवा दवाइयों में काम आते हैं, मालिश में काम आते हैं, तो इस प्रकार के जितने औषधि युक्त तेल के जो निकालने का जो विधि है उसके कारखाने और उसी प्रकार उसके पेड़ पौधे ये लगाए जाएंगे। ये वन विभाग ने किस प्रकार की विशेष योजना, हमारे PCCF बैठे हैं क्यों, ऐसे योजना है ना सारी, हाँ, तो उस प्रकार का ये सारी योजना एक बनाने के लिए उन्होंने यहाँ की है, तो उसको वो जल्दी बनाने वाले हैं। टूरिज्म सर्किट रूट, ये भी अलग अलग टूरिज्म सर्किट रूट, उसके अंदर केवल पंचकुला जिला ना हो करके आसपास के जो क्षेत्रों में टूरिज्म स्थान हैं उसमें कुछ हिमाचल के हैं, चंडीगढ़ के हैं, ऐसे मिला करके कुछ टूरिज्म सर्किट रूट बनाए जाएंगे। उन रूट्स के ऊपर मिनी बसेस ये चलाई जाएंगी, और उसकी गाइडेंस के लिए एक टूरिज्म गाइड केंद्र ये पंचकुला में बनेगा। बल्कि मैंने तो सुझाव दिया है, अभी इसको डिपार्टमेंट ने स्वीकार करेंगे, कब करेंगे और कब उसको शुरू करेंगे, लेकिन आज ही का सुझाव है। मैंने उनको कहा कि जो टूरिज्म सेंटर है वहाँ केंद्र अपना जो बनेगा, वहाँ एक एकोमोडेशन का भी एक सिस्टम बनना चाहिए। कम से कम 50-60-100 कमरे वहाँ बनते हैं, तो जो भी आसपास के लोग टूरिज्म के लाते आते हैं या यात्री वैसे भी आते हैं, तो यात्री निवास होगा, बुकिंग करा करके वहाँ रह सकते हैं। अगले दिन सवेरे ट्रैकिंग रूट पर जाना है, टूरिज्म के नाते कहीं भी जाना है, तो जा करके साइकिल वहाँ वापस आ सकते हैं। जो दो दिन का है वो तो एन रूट उनका स्टेइंग की पॉलिसी बनेगी, लेकिन दो दिन नहीं, किसी ने एक ही दिन करना है, तो मानो यहीं से चलते हैं और यहीं वापस आकर रुकते हैं, चाहे अपने साधनों से जाते हैं चाहे बस के द्वारा जाएंगे, जो बसें बनेगी। तो ऐसा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट से आया कोई, सिन्हा जी नहीं आए, वो तो आप पांडुरंग जी, आप जरा उनको ये कहें कि इस प्रकार का एक सेंटर का भी हमारा उपयोग होगा। वो 50-100 कमरे कितने हो सकते हैं, बहुत महंगे नहीं चाहिए, होटल नुमा नहीं चाहिए, लेकिन यात्री निवास टाइप यात्री रह सकते हैं, और उसमें डोरमेट्री भी हो, ताकि डोरमेट्री में भी लोग रह सकते हैं और सस्ते कमरे उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे यात्रियों के लिए, टूरिस्ट के लिए वो एक स्थान बन जाए। माउंटेन ट्रेल, माउंटेन बाइकिंग, और एक कंपनी के लोग मेरे पास आए थे, वो बैलून का क्या है, हॉट एयर बैलून, तो वो हॉट एयर बैलून के लिए भी एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। मैंने कल उनके पास भेजा था, टूरिज्म वालों के पास ही, तो वो उसमें भी कोई ना कोई संभावना देखेंगे। उनको एक वातावरण के नाते से, एक एटमोसफियर या उस प्रकार का जो हवा के नाते से जो जोग्राफिकल एक लोकेशन उस प्रकार की चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक्सीडेंट्स होने के सारी चीज़ें उसको नकारना पड़ता है, पहले उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो वो सारा भी, चाहे ये हॉट एयर बैलून हो या फिर जो हमारा ये जो शुरू हो रहा है पैराग्लाइडिंग,
इस सब में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, उसको हम ध्यान रखेंगे। इंश्योर्ड यात्राएं होंगी, इंश्योर्ड प्रोग्राम होंगे, तो इंश्योरेंस कंपनियों से भी वो सारी बातचीत हो चुकी है। एक यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय सेक्टर 5 में 2 एकड़ जमीन उनके पास है, तो वो 2 एकड़ में एक बड़ा संग्रहालय जो हरियाणा के पुरातत्व अवशेष या जो भी संग्रहालय में ऐसी रखने लायक चीज़ें जो टूरिस्ट को आकर्षित कर सकें, ऐसी चीज़ों का एक बड़ा एक गौरवशाली इतिहास को अवगत कराने के लिए और हम वो बनाएंगे। शहर की सफाई, शहर की सुंदरता और यहाँ का जो खास करके सफाई अभियान के बाद जो डंपिंग ग्राउंड वगैरह होते हैं, तो एक बड़ी समस्या यहाँ की है। सेक्टर 23 में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, अभी तक तो सारा जो कूड़ा करकट वहीं डाला जाता था, लेकिन अभी 2 तारीख की जो मीटिंग हुई उसके तुरंत बाद हमने कहा कि इसको जो झुरीवाला में एक डंपिंग ग्राउंड पहचान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2021 को मैं स्वयं वहाँ दे करके आया था, वहाँ पर उन्होंने पंचकुला के लोग बताएंगे कि वो वहाँ शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया ना। अब डंपिंग ग्राउंड यहाँ ना डाल करके और सीधा वहीं झुरीवाला में डालेंगे और यहाँ इसको प्रोसेस करके कितना जल्दी इसको साफ कर सकते हैं, या प्रोसेस करके यहीं पर उसका कहीं काम आ सकता हो किसी ग्राउंड फिलिंग में, या कई बार खड्डे फिलिंग करना होता है उसमें, तो ऐसा उसका उपयोग करके, और नहीं तो फिर प्रोसेसिंग करके उसको भी झुरीवाला में उसमें डालना चाहिए। पिंजौर में एक सेब मंडी, फल और सब्जी मंडी पंचकुला के सेक्टर 20 में तो किसान बाजार शुरू हुआ, लेकिन ये पिंजौर की एक मंडी, इसका भी एक विकास करने की योजना ये बनी है। बहुत जल्दी वो मंडी, वैसे मंडी ईयर मार्किंग उसकी हो गई है, बस उसका तो एक नक्शा बना करके दुकानें जो हैं उनको हमने सेल करना है, और हाँ उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। अब ये इतना बड़ा सारा विषय जो आपके सामने मैंने रखा है, इसमें मुझे लगता तो है कि सारी चीज़ें आ गई होंगी, फिर भी मेरे पास जो डाटा थापली आ गया इसके अंदर, ट्रैकिंग रूट्स आ गए, फार्म स्टे होम स्टे पॉलिसी हो गई, टूरिज्म सर्किट रूट्स, ये सब बातें आ गई, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इनका भी क्योंकि हमारे यहाँ एक नेशनल लेवल का स्टेडियम जो बना है और उसमें भी जो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं वो खड़ी की जाएंगी, और यहाँ जैसे अपने को पता है कि इस साल नवंबर में खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, शर्त यही है कि कोविड के कारण से कुछ स्थितियाँ बिगड़े नहीं, जैसे सुधार आ गया है तो सुधार के नाते से ये सारा स्थायी अगर हो जाता है सुधार अपना, तो फिर ये बहुत अच्छे बड़े लेवल का, जिसमें 12,000 के आसपास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग लेंगे, और पंचकुला के साथ साथ आसपास के शहरों में भी कुछ गेम्स कुछ आइटम्स हो सकें उसकी सारी योजना बना रहे हैं। इसके लिए भी कुछ स्थायी निर्माण वो किया जाएगा, कुछ अस्थायी वो चीज़ें जो की जाएंगी, तो स्पोर्ट्स का भी प्रमोट करने का एक कारण किया गया है। हॉट बैलून की बात आ गई, वैली ऑफ फ्लावर्स, हर्बल पार्क, नक्षत्र वाटिका, सुगंधी आयल, फार्मास्यूटिकल पार्क, आईटी पार्क। ये एक मीटिंग हमने कराई थी, उसमें जो झंडे में आइटम थे मैंने कहा कोई रह ना गया हो आपको बताने में। पंचकुला के इन सारे कामों को आम जनता को भी पता रहे, और स्वाभाविक है विभाग भी जब तक उनके ऊपर कोई मॉरल प्रेशर ना हो तब तक आगे बढ़ने में थोड़ा कठिनाई आती है, तो इसको भी दूर करने के लिए हमने दो बातें तय की हैं। एक तो इस सारे को IEC के माध्यम से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, वो चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चंडीगढ़ के हों, हिमाचल के हों, दिल्ली के हों, सब लोगों को इसकी जानकारी मिले। इसकी योजना हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बना रहा है। एक विषय और, मैं जो भी डिपार्टमेंट शायद टाउन कंट्री प्लानिंग इसको संभालेगा या अर्बन बांट करके अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री ले सकते हैं, कि पूरा एक मैप पूरे ज़िले का
कि किस जगह पर क्या क्या सारे काम हैं जो चल रहे हैं या हमारी प्लानिंग में चलने वाले हैं, उनकी लोकेशन दिखाते हुए एक बड़ा मैप बना करके कम से कम 30 से 40 जगह पर इसके होर्डिंग्स लगाए जाए और उन होर्डिंग्स पर बताया जाए कि भी कौन सी चीज़ इनमें से कंप्लीटेड है, कौन सी इन प्रोग्रेस है, कौन सी आगे प्लानिंग में है, प्लानिंग में वो लॉन्च होगी तो कब होगी, उसकी कंप्लीशन डेट उसकी क्या होगी, ये चीज़ें बताते हुए और कम से कम 50 जगह पर इसको लगा देंगे तो जनता को भी पता रहेगा, जिस विभाग ने करना है उसको भी पता रहेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि मुझे इस डेट को कमिटमेंट है, मेरी पब्लिक से भी है, मीडिया से भी है, सरकारों में तो है ही है। तो ये मैप्स भी कितने दिनों में लग सकते हैं पांडुरंग जी? इतने भी मैप लग जाएंगे 20 से पहले पहले लगवा दो ये, क्योंकि 20 तारीख को कुछ चीज़ों का लॉन्चिंग होने वाला है। 20 की जो लॉन्चिंग हो जाए और इसको फिर रेगुलरली चेंज भी करते रहना, पेंटिंग से कराओ, जो चीज़ आज इन प्रोग्रेस है जैसे भी कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पेंटिंग से उनके ऊपर जा करके बदल दें, वो सारे चेंज ना करने पड़े तो उसको बदल दें कि कंप्लीटेड, और जो आगे फ्यूचर के लिए अनाउंसमेंट होना है जिस दिन वो प्रोग्रेस में आ जाए उस दिन इन प्रोग्रेस, लोगों को भी पता रहे कि हाँ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये सारे भी इस प्रकार से किए जाए। तो इस प्रकार से मित्रों एक वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इकोनॉमिक और सारा प्रोग्रेस पंचकुला की हो और पंचकुला हमारा मैप पर आ जाए और हम इस प्रकार के योजना इस प्रकार की बनाएंगे कि बहुत जल्दी पंचकुला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। फिर आज तो हरियाणा का विकसित शहर ये माना जाता है गुरुग्राम या फरीदाबाद, बाद में पंचकुला का नाम इसमें जल्दी जुड़े। बहुत जल्दी ऐसी योजना हम हिसार की भी लाने वाले हैं, करनाल के भी लाने वाले हैं, रोहतक के भी लाने वाले हैं, वन बाय वन शहरों को आगे बढ़ाते हुए। शहरों का वैसे भी हमारा जो नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शहरों के सस्टेनेबिलिटी में हमें अच्छे अंक दिए हैं, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि एक लिविंग स्टैंडर्ड, एक ईज ऑफ लिविंग, इसका इंडेक्स हरियाणा का बढ़े, लोग एक प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रह सकें, ऐसी हमारी योजना कल्पना है, ये आपके सामने रखी है। इस विषय के संदर्भ में कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, एक एक करके, हाँ चलिए यहीं से शुरू कर दो। हाँ जी, इंदौर में सर जैसे पायलट के लिए ट्रेनिंग सेंटर की क्या स्थिति है, वो यथावत जारी है या नहीं है? ऐसा मेरा जहाँ तक ध्यान है पायलट का तो हमने करनाल में किया है, पिंजौर में है शुरू करने का कोई यहाँ डिपार्टमेंट का कोई आदमी बैठा नहीं, पहले चल रही थी, अभी नई योजना में करनाल में तो एक शुरू करने जा रहे हैं। एयर टैक्सी तो अलग विषय है, पायलट की ट्रेनिंग, हाँ पायलट की ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट अभी यहाँ शायद नहीं है, पहले कभी हुई होगी, अब उसको करनाल के अंदर सारा उसकी योजना ट्रेनिंग कुछ नए एयरक्राफ्ट छोटे ट्रेनिंग वाले वो लिए जा रहे हैं तो करनाल में इसको शुरू करेंगे, यहाँ तो एयर टैक्स की सर्विस वो चालू करेंगे। अच्छा सीएम साहब, आपने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी कि नीति आयोग ने हमारी जो भी रैंकिंग करी है उसके अंदर हरियाणा किसी एक स्थान जब बड़े राज्यों में फर्स्ट आया है। हम अगर पंचकुला में बैठे हैं और पंचकुला डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पंचकुला में बड़ी बड़ी होर्डिंग बहुत सारी जगह लगी है कि पंचकुला अभी 56वें रैंक पर है और हमें पहले रैंक पर पहुंचना है। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, अभी हम पहले रैंक पर नहीं है। मेरा सर सवाल दूसरा है। हाँ, सवाल बोलिए। हाँ, मेरा सवाल सर ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम पहले नंबर पर जब देखते हैं इंदौर को तो इंदौर, आपने सुझाव भी बोला था इसलिए बोल रहा हूँ, इंदौर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर लोगों को अपनी गाड़ियों में बास्केट रखने के लिए बोला जाता है कि आप अपना कोई भी कूड़ा हो आप बास्केट में रखिए, अपनी गाड़ी में ही रखिए और उसको एक नियत स्थान पर फेंकें। सब लोगों के अंदर अगर ये एक अनुशासन की भावना आ जाती है, और ये चीज़ सिर्फ पंचकुला में ही नहीं अगर पूरे प्रदेश में हो सकती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हम इंदौर के मॉडल को अगर एक अच्छी चीज़ को अगर अडॉप्ट मतलब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ हो सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है, और एक ये बिहेवियरल चेंज जिसको कहते हैं पब्लिक का, उसकी ओर आगे बढ़ना होगा। और अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पर नहीं, हम कॉरपोरेशन लेवल पर एक योजना बना करके हमारे मेयर साहब बैठे हैं, योजना बनाएं, पास करें, इसका सर्कुलेट करें और जितनी गाड़ियों वाले हैं उनको भी पैम्पलेट पत्रक दें, जगह जगह बोर्ड लगवाएं,
ताकि इस चीज़ को पंचकुला शहर में एक बार करना शुरू करें। इसका विस्तार तो कभी किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को आदत ही लग जाए हाईवे के ऊपर, इनसाइड रोड्स पर, और गाड़ियों के बाकायदा रजिस्ट्रेशन जिनकी पंचकुला में है उसका मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा, उनको पत्र भी लिखें, तो इसका इंतजार करेंगे तो बहुत अच्छा सुझाव है, इसको लागू करना चाहिए। एक बार शहर से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। सर, पहाड़ी इलाकों में जो एक चीज़ देखने में आती है कि रोड्स तो ठीक है डेवलप हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे एक जाम की बड़ी समस्या रहती है। किसी भी जगह के हिंदुस्तान में चले जाओ, पहाड़ी इलाकों में एक समस्या रहती है। पंचकुला के मैं बता रहा हूँ, जैसे देहरादून से मसूरी तक उन्होंने जो है एक ट्रॉली की योजना शुरू करी है, 35-40 किलोमीटर ट्रॉली सीधा मसूरी तक जाएगी, तो रास्ते का जो ट्रैफिक है रोड्स के ऊपर वो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। इस तरह की कोई योजना अगर बन सके? नहीं यार, आप सुझाव देना फिर मोरनी वाली साइड पे कहां से कहां तक बनाए। मोरनी वाली साइड पे सर, मोरनी से टिकरताल। नहीं देखिए, टूरिज्म के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ट्रैफिक की बात है वो ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम मोरनी और टिकरताल साइड में नहीं है, वो तो टूरिज्म के नाते से उसका जो ठीक सुझाव है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसकी देखेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट या तो PPP मोड पर कराई जाए या सरकार करे, दो ही चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कितनी उसकी कॉस्ट आएगी और कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, थोड़ी चीज़ उसमें सब्सिडाइज की जा सकती है, लेकिन सब्सिडाइज करने के बाद ऐसा नहीं ना कि 10% रेवेन्यू है और 90% सब्सिडाइज करना पड़े, तो वो चीज़ लंबे समय तक चलती नहीं है। तो सुझाव अच्छा है, लेकिन पहले जो बाकी चीज़ें हैं, एक बार पब्लिक का ट्रैफिक बढ़े, पब्लिक ट्रैफिक बढ़ने के बाद ये चीज़ें एक के बाद एक एक के बाद चालू होना बड़ा स्वाभाविक है। सुझाव अच्छा है। पीछे पीछे माइक माइक ले लो। पंचकुला से जुड़ी बात करने के लिए आपने कहा सर, तो पंचकुला से जुड़ा एक सवाल ये है कि गुड़गांव का डेवलपमेंट इसलिए बहुत तेजी से हुआ कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास है। पंचकुला ट्राई सिटी की बात करें, एयरपोर्ट हमारा चंडीगढ़ में था, जो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में शिफ्ट हो गया। मोहाली नहीं है, चंडीगढ़ है वो, लेकिन वो उसकी भौगोलिक स्थिति मोहाली में है सर। आप उसको सवाल यही है कि इक्वल शेयर होने के बावजूद पंजाब के बराबर शेयर है हरियाणा गवर्नमेंट का उसमें, लेकिन वहाँ पर हरियाणा का कुछ लगता नहीं कि हरियाणा का भी इससे कोई लेना देना है। एक रोड थी प्रस्तावित जो पंचकुला से उस एयरपोर्ट तक जानी थी, ताकि कनेक्टिविटी पंचकुला शहर की एयरपोर्ट तक बढ़े। आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, मैंने शुरू में सबसे पहला रोड्स में वही विषय लिया था कि उस विषय पर काम चालू है। एक काफी समय हो गया उस पर कुछ। हाँ नहीं ठीक, वो ध्यान में अब उस पर जब प्रोग्रेस करेंगे, मतलब एक एक चीज की जब रिपोर्टिंग लेंगे तो उसके अंदर रोड सबसे पहले आती है। अब क्योंकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जो बनी है उसमें मैं लगभग हर महीने, अब इस पिछले 3 महीनों से लगातार मीटिंग हो रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज मुझे लगा है कि मुझे अब ये डेवलपमेंट प्लान जो है इंटीग्रेट डेवलपमेंट प्लान, ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से जनता को देनी चाहिए। अब ये प्रायोरिटी बेसिस पर इसको हम करेंगे, उसमें चाहे सड़कें हों चाहे बाकी प्रोजेक्ट्स हों, तो बाकी हरियाणा में तो सारा काम चलेगा ही, लेकिन ये प्लान जो है ये अलग से इसके ऊपर फोकस करने के लिए आज ये बताया, तो हम फोकस करेंगे। सिंह साहब, पंचकुला के डेवलपमेंट के लिए पंचकुला को सलम फ्री करने को लेकर क्या योजना है? क्योंकि सलम जो है वो बहुत ज़्यादा सर पिछले कुछ समय में पंचकुला के हर सेक्टर में जो सलम एरिया है वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो क्या योजना है सर इसके लिए? अलग से कोई इनके लिए कोई एक एरिया डिसाइड करके इनको शिफ्ट करने की कोई योजना हो, या फिर किस तरह से काम करेंगे सर सलम फ्री करने के लिए पंचकुला के? देखिए, एक एरिया जैसे वो राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी का है, उसकी डेवलपमेंट प्लान बन चुकी है और उसके लिए एरिया भी कितने एकड़ का तय हुआ? 58 एकड़ का एरिया तय हो चुका है, कंपनियों से बातचीत चल रही है, उसका टेंडर टेंडर होने वाला है, PPP मोड के ऊपर कोई भी कंपनी उसको बनाने के लिए अगर तैयार होगी तो यहाँ लगभग 16 एकड़ ज़मीन कुछ ऐसा हमको बचेगी, तो वो ज़मीन जो है कमर्शियल इस नाते से काम आ सकेगी, वो एक बड़ी ज़मीन फिर उस पर बिल्डिंग बनाना और थोड़ा बहुत चार्जेस उन ओनर्स के जो प्लॉट ओनर या जो भी ओनर हैं उनके ऊपर भी डालेंगे, ताकि सस्ती किस्तों में वो उसको ले सकें। तो ऐसी एक कंप्रिहेंसिव प्लान उसकी बन गई है और उसको भी आगे चलाना है, तो वो प्रोजेक्ट भी इस प्रोजेक्ट में हम ले लेंगे। अच्छा विषय है और मैं समझता हूँ इसके लिए हायर एजुकेशन कोई साइट तय हुई है इसकी? कोई सेंट्रल लाइब्रेरी जो नीचे
ये बन रहा है ना अपना म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल टॉप फ्लोर सबसे जो है वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी जो म्यूजियम बन रहा है 2 एकड़ के ऊपर, उसके टॉप फ्लोर के ऊपर एक लाइब्रेरी प्रस्तावित है, डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, इधर सामने लो। डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि वो भी रेजिडेंशियल एरिया के 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की परिधि में है, तो उसका शिफ्ट करने का उतना फायदा लोगों को नहीं पहुंचेगा, और विभिन्न जो नेता हैं और स्थानीय लोग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने भी उसको और कहीं दूर शिफ्ट करने की मांग की है। दूसरी बात, अभी आपने मोरनी में डेवलपमेंट की बात की टूरिज्म के पर्पस के दृष्टिकोण से, अभी पिछले दिनों जब तूफान आया, केवल एक रात के कुछ घंटे के तूफान के बाद वहाँ 72 घंटों तक ना पानी ना बिजली आया, ना केवल वहाँ बल्कि पंचकुला के करीब 70 गांव ऐसे थे जहाँ पर 2 दिन तक पानी और बिजली बहाल नहीं हो सकी। क्या इस तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाले समय में जब मानसून आएगा तो इस तरह की तेज हवाएं तूफान बार बार आएंगे, सिर्फ कुछ घंटों के तूफान से वहाँ 3-3 दिन तक लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, उनके पास ना पानी होता है ना बिजली होती है। ठीक है, 2 विषय आपने, पहला है झुरीवाला का एरिया। देखिए, ये तो विस्तार जब होता है सारी चीज़ों का, तो धीरे धीरे आप कहीं भी बना लें तो विस्तार के नाते वहाँ भी कुछ ना कुछ विकास होगा, वहाँ भी लोग पहुँचेंगे, वहाँ बिल्डिंग बनेंगे, सब कुछ होगा। कोई एरिया ऐसा सेपरेट बहुत बड़ा एरिया कहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अब जिस ढंग से हम सारा इंटीग्रेटेड प्लान सोच रहे हैं, तो हम कितना ही दूर बनाएं, वहाँ भी आखिर डेवलपमेंट तो हमारी होनी है, आज नहीं होनी तो 2 साल बाद होनी है, 5 साल बाद होनी है। इसलिए इन चीज़ों की समस्या दूरी नहीं है, इन चीज़ों को समस्या का हल तो ये है कि वो इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए जाएं ताकि उस वेस्ट को साथ साथ प्रोसेसिंग की जाए और साथ साथ उसको समाप्त किया जाए, उसकी जो मिट्टी है या उसका जो खाद है उसका उपयोग करके और वहाँ से बाहर निकाला जाए। जगह जगह पर हम इसके लिए एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स ये भी ला रहे हैं ताकि इस वेस्ट में से एनर्जी बनाई जाए, बिजली बनाई जाए या उसका खाद बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट कई जगह चालू हो चुके हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर कोई ना कोई टेंडर लगा करके बाद में इसका कोई आया तो नहीं, ऐसा भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग तो नहीं आया ना। सोनीपत का आ चुका है, सोनीपत में जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही फरीदाबाद गुड़गावा का मिला करके बंधवाड़ी एक स्थान है, वहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर बन रहा है। तो ऐसे सब जगह पर, क्योंकि आज वेस्ट निकलना ये बड़ा स्वाभाविक है, निकलेगा जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, वेस्ट को डालने की जगह और कोई मिलेगी नहीं, तो इसको कंज्यूमेबल आइटम बना करके इसका उपयोग करना ये उसका रास्ता है। दूसरा, आपने कहा नेचुरल कैलामिटी। देखिए, नेचुरल कैलामिटी जो होती है, चाहे वो अंदर तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, वो हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं है, उसमें कब कहाँ कितना लॉस होगा कुछ पता नहीं होता। इतना ही है कि चीज़ों को शुरू में जो अनुमानित चीज़ें हैं उसका ध्यान रखा जाए, और अनुमानित चीज़ होने के बाद भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ आती है उस समय उसको तुरंत उसको ठीक किया जाए। क्योंकि जिस दिन ये आंधी पेड़ आए हैं सब, न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश में बहुत जगह पर, कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं बिजली के खंभे गिर गए, कहीं बिजली अगर कट हुई है तो फिर पानी का उसके असर जाता है। इसका तो इतना ही है कि एक सफिशेंट टाइम के लिए उसकी स्टोरेज, पानी की समस्या मोरनी पर बहुत है। हमने भी उस दिन भी जब ये हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर इसे चलाया था कि पानी का प्रबंध मोरनी की पहाड़ी पर हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक ड्रेन है, नाला है, जो हिमाचल और हरियाणा के बीच में है, क्या नाम उसका, जो हमने बताया था कि इसके बीच में जो ड्रेन नाला है, जिसकी सहमति हमको हिमाचल से भी, पंजाब से भी, क्योंकि इंटरस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं, जब 2 स्टेट्स के बीच में कोई नाला आता है वो इंटरस्टेट होता है और उसका पानी आगे गगर में जाता है, इसलिए इंटरस्टेट मामला होने के नाते से उसको प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं ताकि उस पानी का वहाँ डैम हम बना करके कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था मोरनी पर प्राप्त कर सकें, ये अंडर कंसिडरेशन है। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से हरियाणा क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जिस तरीके से अव्वल आया है, उसके लिए हरियाणा के लिए ये गौरव की बात है, लेकिन नीति आयोग की ये रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक वृद्धि और उद्योग मानकों में गिरावट और बेरोजगारी में हरियाणा इस ओर भी हरियाणा आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या प्रयास? देखिए, ये जो बेरोजगारी की रिपोर्ट गलत रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है ये, जिस बात की हालांकि मैंने कहा था विषय उधर ले जाएं तो कई तरफ चला जाएगा, लेकिन आपने पूछा है तो एक CMIE ऐसी एक संस्था है, वो संस्था एक मैगजीन छापती है और वो बदकिस्मती से कह सकता हूँ मैं कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उसका मैनेजमेंट है, उसके अंदर कुछ विपक्षी दलों के लोग, सक्रिय लोग उसमें लगे हुए हैं, तो कुछ स्टेट्स को बदनाम करने के लिए उस प्रकार की रिपोर्ट छापते रहते हैं। हमारे पास अपना एक डाटा है परिवार पहचान पत्र का, परिवार पहचान पत्र में
जितने लोगों ने अपने आप को बेरोजगार कहा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड, अब सेल्फ डिक्लेयर से बड़ी बात तो नहीं होती है, तो सेल्फ डिक्लेयर्ड बात में 2 करोड़ लोगों में से, 2 करोड़ों में से सारे तो शायद उस एज वर्ग के नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 5 और 6 लाख के बीच में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, लेकिन वो बेरोजगार भी उसमें 2 से 2.5% ऐसे होते हैं जो बेरोजगार क्यों होते हैं, वो शिफ्ट चेंज ओवर जो सिस्टम होता है, मानो आज किसी की नौकरी छूटी 2 महीने बाद लगेगी, वो 2 महीने में बेरोजगारी हो जाएगा, 2 महीने बाद फिर काम लगेगा, तो ऐसे चेंजिंग जो पॉपुलेशन है ये बहुत होती है, ये 2 से 2.5% होती है। कोई ये कहे कि किसी सर्वे में 2 से 2.5% से कम बेरोजगारी आ जाए तो इसका मतलब वो सर्वे ही गलत है, आता ही आता है। कुछ लोग चेंज ओवर में होते हैं, आज ग्रेजुएशन कर ली, आगे उसने पढ़ाई तो कर नहीं रहा, नौकरी मिलने में या काम मिलने में 6 महीने लग गए, तो वो भी उस 2.5% में आता है। इसलिए मैं कहता हूँ 5 से 6% बेरोजगारी तो हो सकती है, वो भी कोरोना के कारण से बहुत बड़ा प्रभाव एक पड़ता है, लेकिन कहीं भी ये जो आंकड़े दिए जाते हैं 35%, 40%, 45%, अगर 35-40% का मतलब हो जाता है कि आधे के लगभग 1/3 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, हमारे पास तो इसे बेरोजगार लोगों की लाइन लगी हुई नहीं है, लेकिन बेरोजगार कौन अपने आप को कहता है कौन नहीं कहता इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक आदमी छोटी नौकरी करता है उसको बड़ी नौकरी चाहिए, तो अगर आप पूछेंगे वो भी कहेगा जी कुछ नहीं, मैं तो वेला हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जब उसके सारे जांच पड़ताल की जाती है तो रोजगार होता है, रोजगार में सेटिस्फेक्शन लेवल किसका कितना है ये डिपेंड्स। इसलिए बिल्कुल गलत है कि रोजगार जो है बेरोजगारी इतनी होगी इतनी होगी, मैं मानता हूँ 5 से 6% बेरोजगारी होगी, जिसमें 2 से 2.5% तो मैंने बताया कि ये टर्नओवर फेज होता है, 2-2.5% किन्हीं कारणों से अब धीरे धीरे जैसे भी आगे नौकरियां, सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये हमने बहुत बार कहा है, सरकारी नौकरी में कुल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 3 से 4 लाख लोग सरकार के कामों के साथ जुड़े हुए हैं, और पॉपुलेशन अगर हम 18 से लेकर 60 तक टोटल पॉपुलेशन भी 50% भी मान लें तो 50% का मतलब ये है कि लगभग 1.5 करोड़ 50% होगी, उस 1.5 करोड़ में 3 से 4 लाख ही सरकारी नौकरी लगती है, बाकी सबको अपने अपने काम में लगना होता है, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको काम के अवसर पर्याप्त मिलें, स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग्स हैं, अपने पैतृक उनके काम हैं, ये सारे काम उसको लोग लगते हैं। सर एक सवाल थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कि जो योजनाएं आपने बताई 2031 के मास्टर प्लान कौन तक बोल रहा है सर, इधर सर, सर ये जो योजनाएं हैं 2031 के आसपास तक का मास्टर प्लान समझ में आता है कि बहुत लंबा प्लान है, हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी योजनाएं जिस पर सरकार पहले से काम करती रही हो 2 साल में 3 साल में पूरी हो जाएंगी। इसी से जुड़ा सवाल है, आपने कुछ और शहरों का नाम दिया कि इसी तर्ज पे हम वहां भी शुरू करने वाले हैं, इसके खत्म होने के बाद शुरू होगा या फिर इनके साथ ही उसकी भी घोषणा जल्दी सी सरकार में होगी? नहीं, वो तो हर स्थान के अपने अपने पैरेलल सिस्टम है, वहाँ के फाइनेंस, वहाँ का बजट, वो सारा बनेगा, लेकिन अभी हमने प्रायोरिटी पर इसको लिया है, वो बहुत जल्दी कब होंगे इसके लिए कोई आज टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इस शहर को एक मॉडल शहर बनाया जाए, क्योंकि ट्राई सिटी का एक अंग है, यहाँ अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर उसका लाभ चंडीगढ़ और मोहाली को ले जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे, तो एक ही एरिया के अंदर एक शहर पीछे रहे एक आगे बढ़े ठीक नहीं, तो इसका पैरेलल एक अच्छा विकास यहाँ का हो। योजनाएं जैसे मैंने बताई हैं कुछ तो साथ साथ अब चली रही हैं, जिस पर डेवलपमेंट का काम कम है वो साथ साथ चल रही हैं, जैसे अभी मोरनी की 2-3 योजनाएं मैंने बताई कि 20 तारीख को उसको लॉन्च करेंगे, और पैराग्लाइडिंग है, जैसे आयुष का थापली का मैदान है उसको शुरू करेंगे, कुछ रूट्स के ऊपर जैसे मैंने बताया कि 10 रूट हम ये चालू कर रहे हैं 20 तारीख को, तो ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बाकी डेवलपमेंटल काम में जैसे फैशन डिज़ाइन का जो हमारा चल रहा है वो बिल्डिंग बन रही है, चालू हो रही है, जो मंडी है पिंजौर की वो बननी शुरू हो जाएगी, तो एयरपोर्ट का जो काम है वो चालू है, इसका जो बनना है एयरपोर्ट पर एयर टैक्सी का वो चालू हो चुका है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, और जो प्लानिंग वाली भी हैं वो बहुत जल्दी इसी साल के अंदर अंदर सबकी प्लानिंग बनेगी, सबका जो यूजुअल टाइम है किसी का 1 साल है किसी का 2 साल है वो सब पूरे होंगे। 2031 की तो प्लानिंग जिस कंपनी को हमने बताई थी उन्होंने 2031 रख करके, क्योंकि प्लानिंग में पॉपुलेशन का भी एक सिस्टम सोचा जाता है, आज की पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं कालका पिंजौर पंचकूला बरवाला ये पूरा जिला, इसकी पॉपुलेशन बहुत मुश्किल से 6-7 लाख होगी, लेकिन उस समय 2031 में इसको 18 लाख या 17 लाख मान करके, अब 15 होगी 17 होगी एक अनुमान होते हैं, लेकिन 15-17 लाख पॉपुलेशन मान करके और इसके डेवलपमेंट के आगे गोल्स तय किए जा रहे हैं।
पंचकुला को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की शुरुआत कर दी गई है। पीछे गुप्ता जी ने सड़कों पर जो अंदरूनी सड़कों पर पेंटिंग से शुरुआत की थी, परंतु पंचकुला की बात की जाए कहीं भी टॉयलेट्स की नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो हाईवेज हो, तो क्या इसके लिए भी कोई प्लानिंग है? नहीं नहीं है तो इसको बनाना चाहिए, हमारे मेयर साहब बैठे हैं, जितने टॉयलेट पंचकुला में हैं शायद ही कहीं। सर मोरनी के लिए बात हो रही है, मोरनी के लिए बात हो रही है बार बार जो है, लेकिन अगर आज भी मोरनी की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल पंप्स नहीं है, बैंक सिर्फ एक है, वो भी मतलब बैंकिंग की व्यवस्था ये है कि अगर बैंक बंद हो जाता है तो लोगों को पैसे निकालने में भी परेशानी होती है। अगर हम टूरिज्म हब बना रहे तो मीसी हो, इसलिए ध्यान दें। अभी तो जितनी आज ये वो स्थिति है, आज वहाँ की पॉपुलेशन, आज आज कोई टूरिज्म अभी नहीं है। टूरिज्म के नाम से आज इस समय तो एक रेस्ट हाउस है, टूरिज्म के नाम से टिकर ताल में थोड़ा बहुत लोग जाते आते हैं, यानी जो आज है मैं कहता हूँ इससे तो कई गुना हमको आगे बढ़ाना है टूरिज्म का। और जब टूरिज्म का विषय बनता है तो साथ साथ ही कमर्शियल एक्टिविटीज अपने आप शुरू हो जाती हैं। बैंक भी अगर वहाँ चलते हैं तो बैंक में कितना फुटफॉल होगा, कितने लोग वहाँ पैसे का लेन देन करेंगे, बैंक उस हिसाब से खुलते हैं। सर पेट्रोल पंप भी नहीं है आज की तारीख में? पेट्रोल पंप नहीं है तो पेट्रोल पंप एक होना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, एक भी पेट्रोल पंप नहीं है वहाँ पे। मांदना में बता होते नहीं था किराना भी, तो गलत है, होना चाहिए तो इसका जल्दी कोई ना कोई प्रबंध करेंगे। अगर और कोई संस्था प्राइवेट ज़्यादातर खोलते हैं, नहीं कोई प्राइवेट आएगा तो हम अपना सरकारी टूरिज्म के नाते या किसी और संस्था के नाते ये भी ज़रा एक नोट कर लें कि एक पेट्रोल पंप की व्यवस्था वहाँ जरूर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को। हेलो साहब, एक हाँ नहीं नहीं ऐसा इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है, जो अभी योजनाएं बन रही हैं इसी का वो एक पार्ट बनेगा। ऐसा कि उनको हमने कोई जमीन दी है ऐसा नहीं है, वो उस एरिया में कुछ एक्टिविटी ऐसी शुरू हो तो डिपार्टमेंट को सुझाव देंगे, डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, उनको ये अपना जो एक कंसल्टेशन टाइप है और उसी में जनता के लिए भी ये जो सारी चीज़ें निकल रही हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं कि वहाँ सुगंधी के फूल होने चाहिए या कुछ ड्रग्स जो हैं आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ड्रग्स इसके लिए पेड़ पौधे लगने चाहिए, ये सारा उसी विचार में से निकला हुआ है। और उसी विचार में से वो जो 50,000 एकड़ ज़मीन है जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उस फॉरेस्ट की ज़मीन में चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे पब्लिक उसके अंदर इस प्रकार की अपनी पैदावार करे तो लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और ये आउटपुट के नाते से ही बाय प्रोडक्ट ये निकलने चाहिए। तो ये सारी योजना उसमें से हाँ ये उसका एक प्लान का हिस्सा है, वो उसमें कहीं अलग नहीं है। एक चीज़ और इसी के अंदर मोरनी के इलाके को जो लोग जानते होंगे उनको बता रहा हूँ कि वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या लगभग 40 साल से नौ तोड़ की चल रही है। तो नौ तोड़ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उस पर भी हमने डिपार्टमेंट को लगा दिया है, उन्होंने अपने सारा डाटा सब कुछ सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है ताकि बहुत जल्दी ये नौ तोड़ मामले में जो जमीन जिसकी है वो उसको चली जाएगी, जो सरकार की सरकार को चली जाएगी और उसमें जिन सरकारी ज़मीनों पर वो लोग बैठे हैं उनका भी कोई सिस्टम बन जाए ताकि उनका रोज़गार उनको मिल जाए और जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट ने लगाने हैं उसकी सुरक्षा रहे। तो एक ये जो है तो बड़ा लीगल मैटर, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट उसको सुलझाने के लिए लगा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी 6 महीने में उस समस्या को हम हल करेंगे और ये मोरनी के इलाकों के लिए बहुत बड़ा एक सुकून होगा कि नौ तोड़ की समस्या का हल हो जाए। सीएम साहब, पंचकुला का जो एक्सटेंशन है सर वो रायपुरानी और बरवाड़ा साइड में होना है और वहाँ जो पोल्ट्री की यूनिट्स हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो एनवायरमेंट के मामले में भी, लोग शादियों में भी जो है ना वो कई चीज़ों की परहेज करना पड़ता है, तो उसका कोई उपचार है जी? मक्खियों का वहाँ एक बहुत बड़ा विषय है, उन पोल्ट्री फार्म्स के कारण से खड़ा हुआ है पिछले 4-5 साल से। उसके लिए कई शहरों में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं जिन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की उसका भी अध्ययन किया, हमारे स्पीकर साहब एक बार स्वयं भी अध्ययन करके आए थे और अब ये बता भी रहे हैं कि बहुत कम हुआ पहले से। और आप भी अगर उधर इलाके में रहते होंगे तो आभास होगा कि पहले जितनी अब नहीं है, फिर भी जितनी हैं वो समाप्त होनी चाहिए। उसका कोई साइंटिफिक कोई ना कोई मेथड देखा जाएगा, कुछ खर्च भी करने की बात आएगी तो जितना पोल्ट्री फार्म जो हैं उनके सहयोग से कुछ सरकार को प्रोजेक्ट करना हो सरकार भी लगाएगी, लेकिन ये समस्या है वास्तव में। इस समस्या को अगर हम विकास करेंगे तो उस समस्या को हमको दूर करना ही होगा,
अन्यथा लोगों का जो विश्वास है वो बनेगा नहीं, इसलिए वो समस्या को हल करने के लिए हम लगे हैं, ध्यान है उसके ऊपर। सीएम साहब, दो बड़े विषय हैं पंचकुला से जुड़े हुए, इसमें क्योंकि इतने सारे ड्रीम प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं पंचकुला एरिया में, मोरनी खासतौर पर, पिंजौर की बात आपने की है, इसमें वाइल्ड लाइफ जो है पहले से भी इस फील्ड में काम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जंगलात हैं और फॉरेस्ट का एरिया है, तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, तो उसमें वाइल्ड लाइफ को लेकर कितना ध्यान रखा जाएगा, उसमें क्या योजना है, नंबर वन। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह, इतना बड़ा ये वेल डेवलप्ड शहर है, रात को पंचकूला की कनेक्टिविटी नहीं है, 9-10 बजे के बाद कोई व्यक्ति पंचकूला आना चाहे, खासतौर पर घग्गर के जितने सेक्टर हैं उनमें जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, या तो वो प्राइवेट अपनी गाड़ी से या टैक्सी करके लोग आएंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रात को शहर की बस का कोई बस ही तो चल रही है, रात को भी चलती, 10 बजे के बाद नहीं चलती, रात में कनेक्टिविटी नहीं है, मान लो 10 बजे के बाद नहीं चलती, 10 बजे तक तो चलती है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसा है कि कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी एक लोगों की आवश्यकता है उसके हिसाब से कोई सर्विस अगर कहीं लगता है किसी रूट के ऊपर, देर रात भी आना जाना लोगों का, कोई शिफ्टों में नौकरी करने वाले या कोई पत्रकार जो रात को देर से घूमते हैं उनको आने जाने वाले के लिए नहीं, एक दूसरा विषय आपका था वाइल्ड लाइफ। देखिए, हम हर एक कानून का ध्यान रखते हैं, किसी कानून की अवहेलना नहीं होती, फॉरेस्ट के अपने नियम कानून हैं, वाइल्ड लाइफ के अपने हैं, हम वाइल्ड लाइफ के और फॉरेस्ट के जितने भी नियम कानून हैं उसके हिसाब से उनसे पहले NOC लेते हैं, जो वहाँ से सेंक्शन मिलती है तब लेते हैं। जैसे भी ये जो रोड है जो पिंजौर से और वाया मांदना होकर मोरनी वाली, ये रोड अभी अगर रुकी हुई है तो केवल वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है उनकी कुछ क्लियरेंसेज हैं, अप्लाई किया हुआ है, अगर वो क्लियरेंसेज लेने की आवश्यकता नहीं होती तो ये अब से 6 महीने पहले सड़क बन गई होती। अब उसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लगे हैं, क्योंकि यहाँ की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सा, ये थोड़े सख्त टाइप के डिपार्टमेंट है, थोड़े नरम भी होते हैं थोड़े सख्त भी होते हैं, तो ये फॉरेस्ट और लाइफ वाइल्ड जो वाइल्ड लाइफ वाले ये थोड़ा सख्त मजबूत डिपार्टमेंट है, तो इनसे काम कराना भी उतना ही कठिन होता है, चाहे सरकार को कराना पड़ता तब भी कठिन होता है। सीएम साहब, मोरनी से जुड़ा बार बार मुद्दा जो है वो उठ रहा है, तो मेरे सवाल है कि एक तो मोरनी में आपने गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात, बोल कौन रहा है अभी सर, इधर अच्छा बोल रहे हैं सर, आपने कुछ साल पहले मोरनी में गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात उठी थी, तो वो अभी तक कोई कार्य नहीं देखा गया। और दूसरी बात ये है कि JBT का एक हॉस्टल वहाँ पे बना हुआ है बिल्डिंग, लेकिन वो अभी खाली पड़ी हुई है, वो किसी काम की नहीं है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या विचार है? देखिए, उसका एक अध्ययन कराया था, चूँकि वहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है तो कॉलेज के लोगों ने फिजिबिलिटी से इनकार इसलिए कर दिया कि वहाँ अगर मानो खोलते भी है तो 20-30 बच्चे ही अगर आएंगे तो 20-30 बच्चों से कॉलेज चलता नहीं है। हमने फिर भी उनको कहा कि एक एक क्लास जो है जो पहले बिल्डिंग बनी हुई है उन्हीं को शुरू कर दें, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्राध्यापक हैं ऐसे बहुत लोग हैं जो कॉलेज की क्लासेस को पढ़ा सकते हैं, तो एक मिला जुला एक मॉडल वहाँ के लिए सोचा है, बहुत जल्दी 1 या 2 क्लासेस शुरू होंगी, फिर वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कॉलेज खोला जा सकता है, नहीं तो उनको हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ये सब बच्चों को दी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो मिली हुई है ना वहाँ, जो कॉलेज की बच्चियाँ आती हैं लड़के आते हैं, हाँ सर बस की तो है, क्योंकि जहाँ दूर स्थान है और वहाँ संख्या नहीं है वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी न केवल मोरनी में पूरे प्रदेश में। सर लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो कम से कम 8-10 साल से ऐसी ही खड़ी है, वहाँ पे कोई हॉस्टल मतलब पहले बना था, उस बिल्डिंग का उपयोग देखते हैं कैसे हो सकता है, विचार करते हैं। सीएम साहब ये लिख लें, DC साहब आए थे, सीएम साहब बैठे हैं ना, कहाँ है अजरा, ये जो चीजें हैं नए सुझाव आ रहे हैं जो नई चीजें हैं। सीएम साहब हर हेलो, ये कोरोना सर, कोरोना के चलते पूरे विश्व का, इसके बाद इधर आएंगे सर, आज बैठे हैं हाँ। सर कोरोना के चलते पूरे विश्व का पर्यटन जो है प्रभावित हुआ है, हरियाणा का भी हुआ है, है वो सरदार जी हाँ। सर कोरोना के चलते पूरी दुनिया का पर्यटन प्रभावित हुआ, हरियाणा का भी हुआ, जो मोरनी में आप और पंचकुला जिले के लिए कर रहे हैं वो काफी अच्छा है, पूरे प्रदेश के लिए किसी तरीके की योजना है टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए? जिस अगले अगले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विषय रखेंगे आप, आज अभी पंचकुला सर राम रहीम से आप धीरे धीरे उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हो सर, राम रहीम से जुड़ा सवाल है कि उनकी सेहत के बारे में स्पष्टीकरण करें कि पहले पॉजिटिव बताया गया फिर नेगेटिव, और हनीप्रीत को अनकंटेंट बनाया गया, अभी पंचकुला में आ गया सर, एक आपका सीएम सर कहिए, आप सर सवाल उठ रहे हैं सर, सर सीएम सर, सर जिस तरह से आज हम चूंकि पंचकुला की बात कर रहे हैं और ट्राई सिटी के अन्य दो शहरों से भी इसे कंपेयर कर रहे हैं, जो
पब्लिक शेयरिंग साइकिल का प्रोजेक्ट था वो तो हमने पंचकुला में दे दिया, लेकिन साइकिल ट्रैक्स की सुविधा अब भी हम नहीं दे पाए, क्योंकि पिछले अगर लॉकडाउन में एक साल की बात करें तो साइकिलिंग की ओर लोगों का रुझान कई गुना बढ़ा है, और ऑफ रोडिंग के लिए अगर हम सिटी से बाहर की बात करें तो लोग मोरनी, थापली और कई सारे ऐसे नेचुरल सीनिक ब्यूटी के स्पॉट्स हैं जहाँ वाटर स्पॉट्स भी है वहाँ भी जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए भी। तो सर इस तरह जो साइकिल ट्रैक्स खस्ताहाल स्थिति में सिटी में है वो, और जो हम फोर लेन या बाहर टूरिज्म के लिए बना रहे हैं वहाँ भी साइकिल ट्रैक्स के लिए ऐसी कुछ बंद है। ये जो नॉन मोटराइज्ड रोड जो बनानी थी हमारी, साइकिल ट्रैक जो बनाना था, उसको प्रोजेक्ट तो 2 महीने पहले शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक वो बन भी चुका है, 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। जहाँ तक ये साइकिल का प्रोजेक्ट है जो ये सबसे पहले हमने शुरू किया है, चंडीगढ़ में तो बाद में आया है जी। सेम साहब पंचकुला की बात करें, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सरकार लेके आती है। एक थीम पार्क है मोरनी में, बहुत साल पहले वो हॉरर पार्क काफ़ी बच्चों को लुभाता था, लेकिन उसको बाद में दोबारा कभी नहीं देखा गया। दूसरा पॉइंट है कौशल्या डैम, जिसको बनाने का मुख्य मंत्र था कि कौशल्या डैम के आसपास उसमें बोटिंग वगैरह करवाई जाएगी, पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। तीसरा प्रश्न मेरा है कि ओलंपिक भवन हमारे यहाँ है, उसकी देखरेख बहुत नगण्य तौर पर इस समय देखा जाए तो उसकी देखरेख नहीं हो रही है जी। देखिए अभी तक जितने प्रोजेक्ट थे वो सब आइसोलेटेड फॉर्म में सब तय किए जाते थे, कोई बनता था कोई नहीं बनता था, कोई बीच में रह जाता था, लेकिन अब हमने 3 महीने बल्कि 2 साल पहले विचार किया था, लेकिन जब से शुरू किया है 3 महीने से ये सारी डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ये सारे हम कर रहे हैं। ऐसे सारे विषय एक एक करके इनको सबको आगे बढ़ाएंगे और एक पंचकुला नया पंचकुला ये बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में धन्यवाद तो कर दीजिए आपका। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पंचकुला इंटेग्रिटी डेवलपमेंट प्लान बना करके और पंचकुला को जो एक सौगात दी है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारा एक चुनावी वायदा था, चुनावी वायदा भी था, वो वायदा भी पूरा किया है और पंचकुला को डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ ये सभी पंचकुला वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है।